परमेश्वर की खोज में आत्मा युगों से लगी है। जैसे प्यासे को जल की चाह होती है, जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ने के बाद महाकष्ट झेल रही है। जो सुख पूर्ण ब्रह्म के सत में था, यह सुख यहाँ काल प्रभु के लोक में नहीं है। चाहे कोई करोड़पति है, चाहे पृथ्वीपति है, चाहे सूर्यपति है, चाहे श्री ब्रह्मा, चाहे विष्णु, श्री शिव लोकपति है, क्योंकि जन्म तथा मृत्यु तथा किए कर्म का भोग अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए पवित्र श्रीमान भगवत गीता के ज्ञानदाता ने कहा है कि अर्जुन, सर्वभाव से उस परमेश्वर को शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति तथा सतलोक को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर के तत्व ज्ञान और भक्ति मार्ग को मैं नहीं जानता, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उनको दंडवत कर, प्रणाम कर, विनम्र भाव से प्रश्न कर, तब वे तत्वदृष्टा संत आपको परमेश्वर का तत्व ज्ञान बताएंगे। फिर उनकी बताई गई भक्ति मार्ग पर सर्वभाव से लग जा। तत्वदर्शी संतों की पहचान क्या है? इस संसार उल्टे वृक्ष की तरह, लटके हुए वृक्ष की तरह है, जिसकी ऊपर को मूल तथा नीचे को शाखाएं हैं। जो इस संसार रूपी विषय में जानता है वह तत्वदर्शी संत है। उस संसार रूपी वृक्ष के तीनों गुण, रजगुण सतगुण तथा तमगुण, ये तीनों गुणों के ऊपर और नीचे फैली हुई शाखाएं हैं। इस संसार रूपे उल्टे हुए वृक्ष के विषय में अर्थात सृष्टि रचना के बारे में इस गीता जी के ज्ञान के बारे में मैं नहीं बता सकता। यह विचार काल में सो ज्ञान आपको बता रहा हूँ, वह पूर्व ज्ञान नहीं है।